नमस्ते, राम राम सभी को और वेलकम बैक टू द चैनल फैमिली। तो देखिए कितना सुंदर है यहाँ पे सब कुछ। मैं तितलियों को निहार रही हूँ, फूलों को देख रही हूँ और उसके साथ में हम यहाँ पर अब अपनी चाय पीने वाले हैं, क्योंकि अब इनका जो है बैडमिंटन का मैच भी ख़त्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे टेबल पे जो है, जब तक हमारे लिए सर्विंग होती है तब तक हम यहाँ पे कुछ गेम और खेलने वाले हैं। तो उसमें से शौर्य ने डिसाइड किया था कि ये ऊनो के कार्ड लेके आया था। तो ये ऊनो के कार्ड बच्चों के बड़े फेवरेट होते हैं। अगर आपने भी किसी ने खेले हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप इस गेम को अच्छे से खेल लेते हैं। मैं थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ और शौर्य ने भी ये खेलना, मतलब उसको ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा आता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन मैं फिर भी इतनी कॉन्फिडेंट होती हूँ कि मैं कभी शुरू में दिखाती नहीं हूँ कि मुझे आता है या नहीं आता है। मैं हमेशा ये शो करती हूँ कि मुझे सब कुछ आता है। मैं अंतर्यामी टाइप बन के बैठ जाती हूँ ताकि वही सामने वाले प्लेयर के ऊपर ना ये हमेशा दबाव बना रहे कि तुम्हारे सामने कोई चैंपियन बैठा है और जिससे तुम टकराने वाले हो। तो वो यहाँ पे भी मेरे काम आ गई ट्रिक। और यहाँ पर जो है सबको मैंने बता दिया कि मुझसे पंगा मत लेना, मैं बड़ी चैंपियन हूँ इसमें। तो यहाँ पर हमारा गेम शुरू होता है और लास्ट में मैं बता दूँ, विनर तो मैं ही थी। ऐसे कहाँ से देखिए वो सारे अब लेकर आया गेम था में मेरे क्या लिए होता वैसे? है। बीच में जो है यहाँ पे बंदर आसपास में काफ़ी मंडराते हैं, तो जब हम यहाँ पे बैठ के गेम खेल रहे थे और कुछ खा पी रहे थे, यहाँ पे एक पर्सन जो है रखवाली के लिए यही टेबल के पास थोड़ी दूरी पे खड़े हुए थे, तो यहाँ पे बंदर वगैरह काफ़ी आ जाते हैं पहाड़ों में। तो इसके साथ ही जो है हम अपना गेम एंजॉय कर रहे थे। आज आइए आप भी ज़रा देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक पिंक कलर का प्लेयर है मेरी जो बारी कि नहीं है है बस, पीकू, अब जिसको कि माई वे और हाईवे ही आता है बस, यानी जीते तो तो वही तेरे से स्टार्ट और होगी बाकी तो सब तेरे हार से जाएं स्टार्ट चाहे होगी, जान तो बूझ अपन के। देखो क्या पीकू से होगी। तो तेरे से क्लॉक शुरू होती है तेरे करना है इसने, बता से 12 बजे कार्ड हुए उठा हैं। लिया वो उसने मैंने 7 था, सेवन, वो देख के नहीं करना तो रैम अपने आप। कार्ड का कोई भी उठा कार्ड, कोई भी कार्ड डाल दे पीकू, उठा के डालो यहाँ पे। पर नंबर वाला डालना, लेकिन कुछ पे कोई नंबर हो, पावर कार्ड ही डालना पहले, दिखा तो। ऐसे डालना होता है हाँ तीन। अब आप डालो कोई ग्रीन कलर का या फिर सेम नंबर का डालो। रेड नंबर नाइन। मम्मी डालो, नाइन या सिक्स का इंच मम्मी। होता है। हाँ नाइन सिक्स है मेरे ख्याल से। मुझे क्या नाइन डालना नाइन है? नहीं रेड, रेड तो बहुत सारे हैं इसके पास। ठीक है डाल दीजिए वाला। वेरी गुड। कौन सा कलर उठाना है बताओ। पापा ने उठाना है ना अब तो एक उठा एक मैं जीत गई, तो देखो क्या बहुत तुम सारे करते उठाने रहो, दिख रहे मैं हैं। जीत गई। सिक्स है ये तेरा। नहीं मत करो ये गेम, प्लेयर रोतड़ा रोतड़ा प्लेयर है ये तो। रीस्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली पीकू को हारने के बाद ना थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ता है, नहीं तो ये बिखर जाती है ऐसे बिल्कुल, कि उसको संभालने के लिए ना फिर उसको ज़्यादा रिश्वत देनी पड़ती है। तो उसको बस बैडमिंटन का एक गेम का लालच दे दिया और फिर ऑल ओके हो गया। और फिर थोड़ा सा और इसको बैडमिंटन खिला। हम लोग चल जाएंगे अपना रिवर साइड पे जाके व्यू को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि अब थोड़ी देर में ना अंधेरा हो जाएगा और हमें अंधेरा होने से पहले जो है वो रिवर साइड पे जाना है, क्योंकि पहाड़ों में देखिए रिस्ट्रिक्शन तो है ही कि आपको अंधेरा जल्दी महसूस होगा, सनसेट जल्दी हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो है बस जल्दी से गेम ओवर करके और जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइड काफ़ी क्लोज हैं तो हम बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में भी नहीं थे, और बस रोड क्रॉस करके जाना। और ये पास में एक बेम्बू की पूरी झाड़ी थी जिसमें कि बहुत सारी चिड़िया थी, गोरैया स्पेशली, जो आजकल शहरों से भी गायब हो गई है पर यहाँ पे बहुत सारी थी। तो मैं काफ़ी क्लोजअप में जो है इनकी फ़ोटोज़ ले पा रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत चहचहाट आ रही थी। पर मुझे बंदरों से थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं प्रिकॉशन कर रही थी इस चीज़ का कि बंदरों से मैं कन्फ्रंट ना हो जाऊँ। और यहाँ पर हम चल दिए हैं, ढलान से नीचे उतर रहे हैं और यहाँ से ही रास्ता जाएगा इस रोड से पार करके, और हम फिर माँ गंगे के जो है वो पास में होंगे, तो रिवर साइड हम इंजॉय तो कर कहीं दिमाग पाएंगे। खराब है, मैं आता पहाड़ों में रिलैक्स करने के लिए, वहां भी जॉगिंग करवा दो तुम। हैं डेविड गॉगिन को देखा आपने? डेविड गॉगिन देखा भी होगा तो नाम याद नहीं है, मैं कह नहीं सकती कि देखा है। उसने रिकॉर्ड बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड का, वो करते हैं 3 दिन तक लगातार भागने का। क्यों गड़े कुत्ते पर एक पच्चे पड़ता तो शाम तक ही रुक जाता, कई पच्चे पड़ गए होंगे। आर्मी में सर्व कर चुका है अब वो फिटनेस का, वो हो गया फिटनेस कोच बन चुका है, पहले वो आर्मी में गड़ा दौड़ लिया होगा। बढ़िया है, चल चाहिए ध्यान रखना चाहिए। वो भी ऐसे धीरे वाली नहीं, वो फुल स्पीड वाली। अच्छा चलो जोर था बंदे में मार गया, अपना कोई शौक नहीं ऐसा। भाग के आ जाओ ना।
हाँ बाग पानी में जोड़ में कूद जाऊं। अच्छा एक काम बच रहा है मैंने। इस गेम की ग्राफिक कितना अच्छा है ना, इस वाले गेम की ग्राफिक जोड़ है वो। किस गेम के? यहाँ पर रिवर साइड पे जब हम आए तो यहाँ पे बहुत सारे ना टेंट लगे हुए। ये एक एक्चुअली कैंपिंग साइट है। इस किनारे किनारे पे ना बहुत आगे तक किसी भी तरफ आप बढ़ जाएंगे तो आपको जो है रिवर साइड कैंपिंग और रिजॉर्ट्स काफ़ी मिल जाएंगे। तो ये ओपन साइट थी तो इट वाज लाइक ओके, हम लोग जा सकते थे। ये ओपन एरिया था एक्चुअली, इससे आगे पूरा सैंड का एरिया और पहाड़ों में। ये जो है मैंने सबसे सुंदर आज तक का मैंने सबसे सुंदर प्लेस ये वाला देखा है। और यहाँ पे पेड़ों की ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है बट साक्षात देखने में ये जगह बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ से तो खुश हो गई कि चलो मैं ढलान से उतर गई, पर ये वापस जाते हुए ये चढ़ना भी है। अभी मैं इस बारे में नहीं सोच रही थी वरना मुझे सांस चढ़ जाएंगे। तो मैं बस धीरे धीरे करके जैसे जैसे नदी के पास हम सब पहुँचे तो आश्चर्यचकित रह गई मैं। इतना सुंदर, इतना अच्छा नज़ारा यहाँ पर है। तो आगे जाके और सुंदरता बढ़ती जा रही है और सामने एक्चुअली पहाड़ है तो उस पहाड़ से तो ये और अच्छा हो गया है। हाँ बढ़िया है। ये तो बहुत सुंदर है। मैं इसको दो लगा दो ये सुनेगी। और नहीं तो क्या, तू सुनेगी नहीं तो तेरी पिटाई होएगी। तू आगे हाँ ऐसे करके कहना क्या चाहते हो, चाहते क्या हो आखिर पुत्र करू। ठीक है ओह तो बिल्कुल सॉफ्ट है, स्लाइड कर जाए आदमी ऐसे तो। ओए तेरी ये कितने सुंदर है, देख उधर से ना वहां से कितना अच्छा लग रहा है, वहां से नदी आ रही है। हाँ मैं कूद जाऊँ इसमें, तेरा दिमाग खराब है, कितना सुंदर है। हैं अच्छा एकदम क्लियर सैंड है पर मैं थोड़ा ये हाँ ले जा। चलो अच्छा है कम से कम स्टे के बिल्कुल पास में है ना। हाँ वहाँ तक अच्छा। हाँ ये तो बहुत ज्यादा चौड़ाई है। हेलो गाइज, गाइज चाय पियोगे? फोन चेक दे नया
भाग गया। खा ले। हम जब किनारे पे थे तो नदी के अंदर पानी तो थोड़ा था, पर कुछ साहसी लोग जो हैं वो रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। तो एक बार तो दिल किया कि कर लूँ, फिर दूसरी बार पानी का टेम्परेचर देख के दिल ने कहा बस बस, इतना भी साहस अच्छा नहीं। तो आइडिया वहीं ड्रॉप हो गया। क्या कर रही है? सॉरी है, पीकू मेरा मैनिक्योर देख कर रही है, पेडिक्योर कर रही है। केरी सैंड से करना चाहिए, सैंड से अच्छा होता है।
सैंड ही है जो आप मेरे ऊपर लगा रहे हो। ले लो अपने आप धुल गए। जा पत्थर फेंक का। तू तो पूरा ही कर देगी। पिकू साफ भी करने पड़ेंगे, मैं ऐसे अलाउ नहीं करूंगी तुझे कि तू छोड़ के चली जा। पिकू मेरे कपड़े भिगा रही है तू। पिकू मत भिगा। एक और दे, एक और दे, दे। इससे सुंदर जब हमारी शादी हुई थी ना, तब वेडिंग प्री शूट वगैरह ये सब नहीं होता था, मतलब होता भी था तो इतना चलन में नहीं था। और आजकल तो यकीन मानिए कि हर दूसरी तीसरी जो भी हम इवेंट देखते हैं उसमें प्री शूट हर एक ओकेजन पे हो रहा होता है। तो आज बस ऐसे ही मन किया कि चलो दोबारा से कुछ फ़ोटो खींच लें, कुछ रोमांटिक से वीडियोज़ बना लें। तो आज हमारा कैमरामैन जो है शौर्य है, और वो हमें बता रहा था कि इधर चलो उधर चलो, पानी में पैर रखो, इधर करो। तो इट्स लाइक न्यू जनरेशन है भाई, देखो ओपन अप है। और बहुत अच्छी बात है कि दे एक्चुअली यू नो फील द इमोशन, और वो अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे आज के टाइम में काफ़ी खुल गए हैं। इतने हमें हिम्मत नहीं होती थी भाई, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था ये सब करते हुए कि एक तरह से ना आप जो मेमोरीज कलेक्ट कर रहे हैं वो हमेशा के लिए रहेंगी। जब भी आपको याद आएगा ये समय तो आप खुश होंगे। मैं जब भी ये याद करूँगी यहाँ आए थे तो, और दोबारा कभी इधर आना होगा तो हम ऐसे ही याद करेंगे, अरे हम इधर आए थे, हमने फ़ोटो खिंचवाई थी, ये सब चीज़ें। या किसी और को देखेंगे तो शायद ऐसा ही लगेगा। और ये वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। तो कुछ ऐसी ऐसी यादें जो हैं आज इस जगह पे बनी हैं जो मैं हमेशा याद रखने वाली हूँ, और हम सबके दिमाग में ये चीज़ें रहने वाली हैं कि एक साथ हमने एक इतना सुंदर समय बिताया, इतनी सुंदर जगह गए, और इतना अच्छा अच्छा जो है हमने यू नो
एक्सपीरियंस लिया है कि ये लाइफ लॉन्ग है और इतनी शांत जगह, इतनी सुंदर जगह मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। तो आप कभी ऋषिकेश जाएं तो गंगा के किनारे ज़रूर समय व्यतीत करें, बहुत अच्छा लगता है। कुछ समय अपने आप को दें और कुछ इस तरीके से जो है हम पूरी शाम यहाँ पर बिता सकते थे, पर हमें थोड़ा सा समय हमने सोचा कुछ और निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ना इस रिवर साइड के एंड में जंपिंग, वो बंजिंग जंपिंग वगैरह जो होती है ना, रोप साइकिलिंग वगैरह, उसका एक यहाँ पे वेन्यू है आगे चल के, वो हाईएस्ट है एशिया में। तो वहाँ पे हमने सोचा चलो चलते हैं बिफोर इट बिकम डार्क। तो बट ये हमेशा याद रहेगा ये मोमेंट, ये समय जो हमने यहाँ बिताया। और आई होप अब तक आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी ज़रूर जाना चाहेंगे इस जगह पर, तो ज़रूर विज़िट करिएगा, ये बहुत ही फेमस है ऋषिकेश में। तो अगले वीडियो में मैं आपको बंजिंग जंपिंग और जो हमने वहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क में समय बिताया वो मैं दिखाऊँगी।